लैपटॉप रिपेयरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर में आज का टॉपिक है मॉस्फेट। तो मॉस्फेट जो होता है ये है कुछ मॉस्फेट। मॉस्फेट जो होता है ये आपका हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग में एक तरह से एक स्विच की तरह काम करेगा और एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये स्विचिंग सर्किट में यूज़ होगा, जहाँ से ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा और एज ए स्विच यूज़ किया जाता है इसका। वैसे यूज़ तो एम्पलीफिकेशन में भी होता है बट हमारे बोर्ड पे नहीं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमारे बोर्ड में मॉस्फेट को हम देख के कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मॉस्फेट कौन सा है, कहाँ पे है। तो मॉस्फेट जो है इस टाइप का होता है, गौर से देखिएगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये जितने भी ये सब क्या है मॉस्फेट, ये क्या है मॉस्फेट। ओके, यहाँ पे आएंगे, ये भी आपका मॉस्फेट। अभी देखिए ये जो है सेम है देखने में, बट ये मॉस्फेट नहीं है, ये बायोश है, तो आप इसे मॉस्फेट मत बोलिएगा। साइज का फर्क है, आप देख सकते हैं दोनों में कंपेयर करके। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये दोनों मॉस्फेट। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा, पिछले टॉपिक में ये कैपेसिटर, यहाँ पे भी मॉस्फेट लगेगा। इधर आएंगे आप तो यहाँ पे ये देख सकते हैं छोटा सा, बहुत छोटा साइज है, ये भी मॉस्फेट है आपका। ओके, इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ जो कि सेम हो। जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपका मॉस्फेट है, 95% चांस है मॉस्फेट है, 5% चांस है ये ट्रांजिस्टर होगा। ओके, ट्रांजिस्टर का एडवांस जो है वो मॉस्फेट है। ये देख सकते हैं डी लिखा हुआ है। अब देखिए इसको और इसको दोनों सेम है, बट ये आपका डायोड है, ये मॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ पे डी से डिनोट किया हुआ है। बैक साइड देखते हैं कुछ मॉस्फेट, ये मॉस्फेट है आपका, ये दोनों सेम है बट ये मॉस्फेट है और ये मॉस्फेट नहीं है, डिनोट यू से किया गया है। मॉस्फेट को यू से भी डिनोट किया जाता है बट इस बोर्ड में जितने भी मॉस्फेट है सबको क्यू से किया गया है, तो यहाँ पे ये आईसी होगा, कोई ना कोई आईसी होगा। यहाँ पे एक मॉस्फेट है, इधर कुछ मॉस्फेट्स हैं। ओके, तो एक बार कॉपी पे देख लेते हैं किस किस टाइप का मॉस्फेट आपको मिलेगा। मॉस्फेट तो रियल शेप की अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप के बोर्ड पे आपको कुछ इस तरह का मॉस्फेट देखने को मिलता है। हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जो हमारे रिपेयरिंग में काम आएगा, हमारे लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे, एलईडी पे भी आ जाएगा। जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिक के सब में काम आ जाएगा। इस तरह से होगा, ये हो जाता है आपका मॉस्फेट। आप देखेंगे कहीं पे एक डॉट होगा, ये बताता है आपका पिन नंबर 1, इसे पिन नंबर 1, और ये जो बीच में है ये 2, 3 और ये 4। ओके, बट ये दोनों पिन आपस में कनेक्टेड ही होता है। इस तरह का मॉस्फेट होगा। इसके बाद 8 लेग में मॉस्फेट जो अभी हमने देखा, यहाँ पे एक डॉट, एक पिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3 ये पिन आपका कंटिन्यू भी देगा, हम पिन डिटेल पे भी जाएंगे अभी नहीं, और ये सारे के सारे पिन आपस में कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा आपको मिल रहा है मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो ये पिन आपस में बीप देगा और ये भी पिन आपस में बीप देगा, तो मॉस्फेट है। ओके, ड्यूअल मॉस्फेट आता है तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा, हम उसे बाद में देखेंगे। इसके बाद स्मॉल साइज में आएगा, इस तरह से 3 लेग का मॉस्फेट।
तो इस तरह से कुछ मॉस्फेट आपको देखने को मिलता है बोर्ड पे। जैसे ये मॉस्फेट, इसका पिन हमें दिख रहा है, बट इसी तरह का एक और आएगा जिसका पिन आपको बहुत हल्का सा दिखेगा। कुछ इस तरह का पिन नंबर 1, 2, 3, 1, 4, 5, 8, और इधर ये सारे के सारे पिन आपस में कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा मिलता है तो ये भी आपका मॉस्फेट। तो इस तरह के कुछ मॉस्फेट होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको डेस्कटॉप पे मिलेगा, डेस्कटॉप पे ये वाला मॉस्फेट यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका क्या है, मॉस्फेट है, ये भी मॉस्फेट है, ये भी मॉस्फेट है। और मॉस्फेट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मॉस्फेट, इधर देख सकते हैं कुछ मॉस्फेट आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मॉस्फेट, यहाँ पे भी मॉस्फेट। ओके, अब हम वापस डेस्कटॉप बोर्ड पे अगर आए, इस तरह का मॉस्फेट अगर हमें बात करें तो ये रहा आपका मॉस्फेट। जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसमें चार पिन आपस में कनेक्टेड होगा। मल्टीमीटर को बीप मोड पे रखना है, बजर मोड पे। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं डॉट है, तो डॉट से 3 पिन बीप देगा, 1, 3। ये 3 पिन आपस में बीप देगा, ये चौथा पिन नहीं देगा, और ऊपर आप चेक करेंगे तो ये चारों पिन आपस में बीप देगा। ये है आपका मॉस्फेट। ओके, इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं अगर कोई और डिफरेंट टाइप का मॉस्फेट हमें मिल जाए तो। इसमें और कोई मॉस्फेट है नहीं। इसके बाद एक और मॉस्फेट हम बना देते हैं। एक मॉस्फेट जो आएगा 6 लेग में आएगा, जिसमें 6 लेग होगा टोटल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। इस तरह से 6 लेग होगा। अगर हम इसके पिन को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो इसका जो 1 और 2 पिन है, पिन नंबर 1, 2, 5, 6, ये आपस में कनेक्टेड होता है। ओके, और ये अलग होगा। तो इस तरह का मॉस्फेट भी मिलेगा हमें, देख लेते हैं। इस बोर्ड पे अगर हम बात करें मॉस्फेट का, यहाँ पे देख सकते हैं मॉस्फेट, ये मॉस्फेट है जो हमने बात किया था, पिन बहुत हल्का सा दिखेगा, ये हल्का सा पिन दिख रहा है। ओके, ये मॉस्फेट की तरह है बट मॉस्फेट नहीं है, ऐसी है। छोटे छोटे मॉस्फेट को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, मे बी ये मॉस्फेट ही होगा। ये देखिए, अभी हमने बात किया था 6 लेग मॉस्फेट का, तो इस तरह से कुछ होता है आपका 6 लेग मॉस्फेट यहाँ पे जो है, बट ये डुअल मॉस्फेट या डुअल ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। मैं आपको 6 लेग मॉस्फेट ही दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये भी 6 लेग मॉस्फेट है, मे बी ये डुअल मॉस्फेट ही होगा, क्योंकि 6 लेग मॉस्फेट इससे हल्का सा और साइज बड़े में मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मॉस्फेट, ये जो देख रहे हैं 6 लेग में, जब हम चेक करते हैं तब हमें पता चलता है ये डुअल मॉस्फेट है या 6 लेग मॉस्फेट है। तो जैसा कि हमने देखा था, अगर ये 6 लेग मॉस्फेट है तो 1, 2, 5, 6 बीप देगा। तो चेक करते हैं जल्दी से, 1, 2, 5, 6। मैं भी इसके पिन नंबर 1 पे हूँ और इसका डायरेक्ट हम 6 को टच करते हैं, आपस में बीप नहीं दिया, मतलब ये क्या आपका डुअल मॉस्फेट या डुअल ट्रांजिस्टर। तो 6 लेग मॉस्फेट किसी और बोर्ड पे देखते हैं, किसी पे मिल जाएगा हमें। इस बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये भी आपका डुअल मॉस्फेट ही है, ये वाला यहाँ पे मिला हमें। नो नो नो, LVDS का है, वो वीडियो है अपना। 6 लेग मॉस्फेट
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर बी ब्रांच पे इसका पिन नंबर वन, पिन नंबर टू से कनेक्टेड नहीं है। ओके पिन नंबर वन देख सकते हैं, पिन नंबर वन पे है मेरा एक प्रॉब। पिन नंबर टू, पिन नंबर वन से पिन नंबर टू बीप दे रहा है, थ्री बीप नहीं दे रहा, फोर नहीं, फाइव और सिक्स बीप दे रहा है। मतलब ये आपका क्या है, सिक्स लेग मॉस्फेट। देखिए वन टू नंबर पिन है कनेक्टेड, थ्री नहीं, फोर नहीं, फाइव और सिक्स कनेक्टेड है। मतलब ये आपका मॉस्फेट है। तो सिक्स लेग मॉस्फेट देख सकते हैं, साइज सबसे बड़ा था इसीलिए मैंने इसी को चेक किया डायरेक्टली। तो ये होता है आपका सिक्स लेग मॉस्फेट, ये होता है आपका थ्री लेग मॉस्फेट, और ये आपका यहाँ पे था एट लेग मॉस्फेट, ये भी एट लेग मॉस्फेट। तो मॉस्फेट अब देख के मेरे ख्याल से आप लोग पहचान लेंगे मॉस्फेट कौन सा है। अब हम इसके कुछ पिंस के बारे में बात करते हैं और कुछ टाइप्स के बारे में। वो पेन कहाँ गया, वो पेन एक और जो था इधर है, अगर हम मॉस्फेट के बारे में ज्यादा बात करें तो ये दो टाइप का होगा, एक होगा आपका पी चैनल और एक होगा आपका एन चैनल। इसका क्या किया जाता है, यूज एज ए स्विच। एज ए स्विच, एक स्विच की तरह, एक डिजिटल स्विच की तरह यूज में आता है। और पी चैनल स्विच की तरह भी, स्विच के तरह भी काम आएगा और रेगुलेटर की तरह भी। स्विचिंग सर्किट में हम इसे बात करेंगे, स्विचिंग सर्किट में हम देखेंगे ज्यादा डीपली। तो हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट में देखते हैं टाइप्स के बारे में, दो तरह का होता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उससे पहले हमें पिन्स के बारे में पता होना चाहिए। एक मॉस्फेट का जो पिन होता है, टोटल तीन पिन ही होता है एक मॉस्फेट में। पिन आउट जो होगा, ये जो आपका टॉप है इसे बोलते हैं ड्रेन, ड्रेन। ओके ये आपका होता है और एक ये होता है, इसे बोलते हैं सोर्स और इसे बोलते हैं गेट। ओके ड्रेन, सोर्स, गेट। देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉस्फेट है, जो भी हमने बनाया है वो आपका ये मॉस्फेट। इसके बाद एट लेग मॉस्फेट में एक दो तीन चार, ये आपस में जो तीन पिन कनेक्टेड है और फोर पिन, जो तीन पिन है ये आपका सोर्स है तो हम डायरेक्टली एस लिख देते हैं। ये जो फोर्थ नंबर पिन है ये गेट है, और जो ये फोर नंबर पिन आपस में कनेक्टेड है फोर पिन, ये ड्रेन है। मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह से पता चलता है हमें ड्रेन सोर्स गेट का। इसी में जो आपका ये बड़ा वाला मॉस्फेट है, इसमें भी सेम है, ये आपका गेट होगा, सोर्स होगा और ड्रेन होगा। ओके इजी है,
हम डुअल मॉस्फेट को लेके नहीं चल रहे हैं, डुअल मॉस्फेट अभी ज्यादा हार्ड हो जाएगा, हम आगे देखेंगे डुअल मॉस्फेट को। अब इसके बाद आता है कैसे पता करेंगे एन चैनल कौन सा है और पी चैनल कौन सा है। तो बहुत ईजी है एन चैनल पी चैनल को आइडेंटिफाई करना। अभी हम देखते हैं कैसे पता करेंगे। डायोड, डायोड में हमने क्या देखा था, डायोड में ये एनोड होता है मतलब पॉजिटिव, ये कैथोड नेगेटिव, एनोड और कैथोड। अब आपको बस इतना देखना है अगर आपका ड्रेन यहां पे है तो पी चैनल मॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ड्रेन यहां पे है तो एन चैनल। और याद रखिएगा लैपटॉप में, हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो यूज होते हैं मॉस्फेट, आप 75 से ज्यादा 80% या 90% ले सकते हैं, सॉरी आप इसमें ले सकते हैं 80% जो आपका पी चैनल एन चैनल मॉस्फेट ही यूज होगा, 80% एन चैनल ही होगा, बहुत कम पी चैनल। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं और उससे पता करते हैं, कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक मॉस्फेट है, गौर से देखिएगा एन चैनल और पी चैनल का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। अब ये एन है या पी है कैसे पता करेंगे, हमने क्या बोला अगर एनोड ड्रेन पे है तो एन चैनल, कैथोड ड्रेन पे है सॉरी एनोड ड्रेन पे है पी चैनल, कैथोड ड्रेन पे है एन चैनल। एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर डायोड होता है इस तरह से, ड्रेन टू सोर्स, ओके। अभी यहां पे क्या आया, नेगेटिव यहां पे आया कैथोड पॉइंट, तो सीधा सा हम बोल दिए एन चैनल है पी चैनल नहीं है ये। एक और ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अगर यहां पे डायोड इस तरह से मिला ड्रेन और सोर्स के बीच में तो यहां पे कैथोड गया, एन चैनल हो जाएगा। अगर ड्रेन इस तरह से हुआ ड्रेन पे एनोड आया तो पी चैनल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम किसी बोर्ड पे, ये बोर्ड है ओके, तो इसको ऐसे कर देते हैं। अभी देख सकते हैं मॉस्फेट भी सेम लगा हुआ है, अब यहां पे ओके। अब हमें पता है ये ड्रेन हो गया और ये गेट हो गया और ये सोर्स हो गया। अब हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे डायोड पे, मल्टीमीटर देख सकते हैं डायोड पे है, अभी मल्टीमीटर डायोड पे है। अब एक डायोड की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वो 200 से 750 के बीच के, तो 500 के आसपास आता है, चेक किया हमने ओके है। अब हम देखेंगे ड्रेन पे मैं अभी रख रहा हूँ रेड को और ब्लैक को सोर्स पे, अगर वैल्यू देगा, वैल्यू कब देता है जब ड्रेन फॉरवर्ड में होगा, रेड प्रोब आपका, अगर रेड प्रोब आपका एनोड पे है तो वैल्यू आएगा, अगर कैथोड पे है तो वैल्यू नहीं आएगा। चलिए रेड प्रोब मैंने ड्रेन पे रखा है और एक प्रोब यहां पे रखा, 750 तक ही वैल्यू होनी चाहिए, अगर वैल्यू बहुत ज्यादा आगे जा रहा है तो वो वैल्यू डायोड की वैल्यू नहीं है। देख सकते हैं 1000 चला गया, मतलब ये डायोड की वैल्यू नहीं है। हम प्रोब को एक बार चेंज करेंगे। अभी हमारा ड्रेन पे ब्लैक है और सोर्स पे रेड है, अभी देख सकते हैं वैल्यू आपको 500 के आसपास मिला, देख सकते हैं 500, मतलब ये कौन सा हो गया एन चैनल मॉस्फेट, क्लियर है। ड्रेन पे नेगेटिव, सोर्स पे पॉजिटिव और वैल्यू ओके एन चैनल, डायरेक्टली एन चैनल बोल देना है। यहां पे और मॉस्फेट है, इस पे चेक कर लेते हैं एक बार, ये मॉस्फेट ड्रेन पे पॉजिटिव है अभी हमारा और सोर्स पे
नेगेटिव, तो 400 के आसपास है मान लेते हैं एक समय के लिए पी चैनल है, बट हम दोबारा चेक करेंगे ब्लैक को यहाँ पे रख के। अभी क्या हो रहा है, दोनों साइड से वैल्यू दे रहा है। अब इस मॉस्फेट को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, बोर्ड से इसे निकाल लेना है। ओके, एक और आइडिया है, इसके ऊपर कुछ नंबर होगा ए बी सी डी कुछ, है ना। लास्ट में अगर ऑड है और इवन है, जैसे 2, 4, 0 इस तरह के नंबर हैं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये एन चैनल है। हमेशा नहीं बट मैक्सिमम केस में मिल जाएगा। अगर 1, 3, 5 इस तरह का है तो ये पी चैनल है, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। अब हम कुछ बोर्ड पे देख लेते हैं मॉस्फेट को, जैसे ये बोर्ड है। ओके, यहाँ पे पहले हम मॉस्फेट का फिगर बना लेते हैं, मैं मॉस्फेट दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कुछ मॉस्फेट्स हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ और आपके सामने चेक करके दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले ये 3 और ये 4, तो ये मेरा ड्रेन है और ये सोर्स है। अब हमें चेक करना है वैल्यू यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो मैं रख रहा हूँ इसके यहाँ पे डॉट है, मीन्स चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये सोर्स, ये ड्रेन है, तो इधर इसका सोर्स होगा, ये सोर्स है, देखिए थर्ड नंबर फोर्थ नहीं दे रहा। तो सोर्स पे अभी मेरा रेड है और ड्रेन पे ब्लैक है, वैल्यू मल्टीमीटर में कुछ नहीं आया, वैल्यू कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे रेड है यहाँ पे ब्लैक है, वैल्यू नहीं आया। ओके, प्रॉप चेंज, अब चेक करते हैं, ड्रेन पे रेड है सोर्स पे ब्लैक है, वैल्यू आया। तो हमें क्या पता चला, इधर से इधर की ओर, सॉरी इस तरह से, इस तरह से डायोड है, मतलब ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड है, है ना, जा रहा है। अगर रिवर्स में होता तो इस तरह, फॉरवर्ड में है तो इस तरह, सीधा सा है। ड्रेन पे नेगेटिव, पॉजिटिव पिन रखने के बाद वैल्यू आ रहा है तो पी चैनल, ड्रेन पे नेगेटिव रख के वैल्यू आया तो एन चैनल, सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ, इसका ये सोर्स है और ये ड्रेन है, ड्रेन पे नेगेटिव है, वैल्यू आ रहा है। ओके, प्रॉप चेंज करेंगे एक बार, दोनों साइड से सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब हमें इसे निकाल के चेक करना है इस मॉस्फेट को। 410 प्रॉप चेंज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले ही सही था, 1000 ज़्यादा है और ये सही है। तो हम इसका देखते हैं ड्रेन कौन सा है और सोर्स कौन सा है। एक्चुअली लाइट बहुत कम आ रहा है, बीप पे चेक कर लेते हैं, डॉट वगैरह दिख जाता है आपको इजिली। ये 1, 3 देखिए, 1, 2, 3, 4 नंबर पिन बीप नहीं दे रहा है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है। तो ड्रेन पे नेगेटिव है और वैल्यू आ रहा है, तो एन चैनल मॉस्फेट और ये पी चैनल मॉस्फेट, ये एन चैनल और ये पी चैनल। तो बहुत इजी है एन चैनल पी चैनल को आइडेंटिफाई करना। तो ये तो था बोर्ड की बात, फिजिकल टेस्टिंग। इसके बाद आता है स्कीमेटिक पे कैसे पहचानेंगे एन चैनल और पी चैनल को, स्कीमेटिक के थ्रू कैसे पहचानेंगे। तो स्कीमेटिक में भी बहुत इजी है, अगर आपका पी चैनल मॉस्फेट है या फिर एन है। स्कीमेटिक में क्या होता है, सिंबल बना होता है, तो पी चैनल का जो सिंबल होगा, हमने चेक किया डायोड क्या होगा फॉरवर्ड में, कुछ इस तरह से। ये जो है ये आपका ड्रेन है और ये सोर्स है और ये गेट है। तो इमेज में ही क्या बना हुआ है, डायोड का एनोड ड्रेन के साइड है, मतलब जब आप यहाँ पर रेड रखेंगे और ब्लैक रखेंगे तो इजिली करंट पास होगा और मल्टीमीटर वैल्यू दिखाएगा। जब हम बात करते हैं
एन चैनल में, तो एन चैनल में कुछ इस तरह का। ओके, ये हो जाता है आपका ड्रेन, सोर्स और गेट। यहां पे क्या है, कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिव एन या फिर ब्लैक। तो एन चैनल ब्लैक प्रॉब यहां पे होगा तो एन चैनल, रेड प्रॉब यहां पे होगा तो पी चैनल। ओके, इसके बाद बात आता है, छोटा सा हम लेते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे अगले चैप्टर पे। मान लीजिए अब इसमें इनपुट कहाँ आएगा और आउटपुट कहाँ से लेना है। एक डायोड की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ एक डायोड की बात करें, तो डायोड में अगर आप एनोड पे 10 वोल्ट पुट करेंगे, 10 वोल्ट डायोड होता क्यों है, वन वे सप्लाई को पास होने देता है करंट को, एक साइड से पास होने देगा और दूसरे साइड से ब्लॉक कर लेगा। तो यहां से 10 वोल्ट आपने दिया, आगे कितना जाएगा, 0.70 वोल्ट के आसपास ड्रॉप होके बाकी वोल्टेज मिल जाएगा, मतलब 9.4 9.5 इस तरह का वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। ओके, और अगर आप कैथोड पे कोई वोल्टेज देंगे 10 वोल्ट, तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये जो ड्रॉप हो रहा है, इसको कम करने के लिए एक शॉटकी डायोड का यूज किया जाता है। एस बनाओ, सॉरी ये जेड बन गया, इसको एस बनाना है, एस जेड जीने डायोड हो जाता है, एस से शॉटकी डायोड इसका यूज किया जाता है। तो इसमें अगर आप यहां पे 10 वोल्ट देंगे तो इसका लीकेज 0.3 वोल्ट के समथिंग होगा, मतलब आपको लगभग पूरा का पूरा वोल्टेज तो मिल ही जाएगा आउटपुट में, है ना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा था, हमने सिर्फ डायोड देखना था। अभी अगर आप ड्रेन पे इनपुट देंगे तो आपका पूरा वोल्टेज सिर से आउट जाएगा, बट आप जब सोर्स पे इनपुट देंगे तो ये क्या करेगा, पूरा वोल्टेज को ब्लॉक कर लेगा। तो इसी से पता चल जाता है इनपुट हमें कहाँ पे देना है, सोर्स पे। सोर्स क्या हो गया इसका, इनपुट। अगर सोर्स के साइड से वोल्टेज आया तो एज ए मॉस्फेट वर्क करेगा, अगर ड्रेन पे इनपुट आया है तो एज ए डायोड हो जाएगा, फिर ये मॉस्फेट नहीं रहेगा, एक डायोड हो जाएगा। तो ड्रेन क्या हो गया इसका, आउटपुट, और गेट क्या हो गया इसका, अनेबलिंग कंट्रोल, जो भी बोल लीजिए, ड्राइवर जो भी बोल लीजिए, तो हम इसे अनेबलिंग ले लेते हैं। ओके, यहां पे अगर आप देखेंगे इनपुट हम ड्रेन पे देंगे तो एक मॉस्फेट की तरह काम करेगा, अगर सोर्स से देंगे तो फिर तो एज ए डायोड वर्क करेगा। तो इनपुट हमें कहाँ देना है, ड्रेन पे, तो ड्रेन हो गया इसका इनपुट, गेट सेम नेबलिंग, आउटपुट सोर्स। अब यहां पे एक बात याद रखने का है, इसमें जब आप गेट की वोल्टेज बढ़ाएंगे, हम ग्राफ में यहां पे एक देखते हैं, मान लीजिए आपने सोर्स पे इनपुट लिया, ओके, विन दे देते हैं, वोल्टेज इन, आपने यहां पे 19 वोल्ट इन किया, आपने यहां पे 19 वोल्ट इनपुट लिया है, अब आपको आउटपुट चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि पी चैनल एज ए स्विच काम करता है। स्विच कहने का मतलब 19 वोल्ट जाएगा या तो नहीं जाएगा, लेकिन एन चैनल क्या होता है, अगर हम 19 वोल्ट इनपुट लें तो हम उससे 5 वोल्ट भी ले सकते हैं आउटपुट में, और 10 वोल्ट भी ले सकते हैं, और 19 भी ले सकते हैं, मतलब ये एक रेगुलेट करने का काम भी कर देता है, बट ये नहीं करता। इसे हम देखते हैं यहाँ पे, अब गेट अनेबलिंग है। ओके, अगर आप गेट पे 0 वोल्ट भी देंगे तो आउटपुट जो आपको ड्रेन पे मिलेगा, ड्रेन इसका आउटपुट है, वो पूरा का पूरा 19 वोल्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि पी चैनल मॉस्फेट में गेट क्या होता है, हमेशा ओपन ही, कहने का मतलब अनेबल ही रहता है। जब आप वोल्टेज गेट की बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने से क्या होता है, ये कट ऑफ मोड में चला जाता है। ओके, अभी क्या है, सैचुरेशन मोड में, वर्किंग मोड में ही है। जब आप गेट की वोल्टेज को हाई कर देंगे, कितना हाई करेंगे, जितना आप इनपुट ले रहे हैं उससे लगभग 2-4 वोल्ट कम, 2-3 वोल्ट जब आप कम
मतलब इनपुट 19 है और गेट पे अगर हम 10 वोल्ट भी देंगे तो आउटपुट 19 मिल जाएगा हमें। ओके अगर हम गेट पे 14 वोल्ट करेंगे तब भी आउटपुट हमें पूरा मिलता रहेगा। अगर हम गेट पे 17 वोल्ट करते हैं तब आउटपुट में हमें डिफरेंट दिखेगा, 18 वोल्ट हो जाएगा। जब आप 17.2 वोल्ट करते हैं तो आउटपुट में बहुत ज़्यादा का फर्क मिलेगा। जब आप यहाँ पे पूरा का पूरा 18 कर देते हैं तो आउटपुट ज़ीरो हो जाता है। मतलब कहने का है 17 से 18 एक वोल्ट के डिफरेंस में मॉस्फेट क्या हो गया, 19 से ज़ीरो आ गया। अगर आपको बोल दिया जाए कि मुझे आउटपुट में 10 वोल्ट चाहिए, आप ला सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो आउटपुट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लेकिन आपको बोला जाए स्विच बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे, इसके गेट पे अगर आप 19 वोल्ट देंगे या 19 से प्लस कुछ भी 13 वोल्ट तक, 13 वोल्ट का मॉस्फेट लैपटॉप में यूज़ होता है, अब तो 20 वोल्ट वाले भी आ गए हैं, तो क्या होगा, गेट पे अगर आप 19 वोल्ट देंगे तो ये कट ऑफ मोड में हो जाएगा। अगर गेट में आप 19 से 2-4 वोल्ट जैसे ही कम करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये क्या है, एक स्विच, डिजिटल स्विच। ओके लेकिन जब पी चैनल एन चैनल मॉस्फेट की बात करते हैं तो इसमें विन ड्रेन पे आएगा, ड्रेन पे आपने 19 वोल्ट लिया। अब ये क्या है, नॉर्मली कट ऑफ मोड में है। मतलब कहने का है गेट पे अगर आपका कोई वोल्टेज नहीं है तो आउटपुट में भी आपको सोर्स में आउटपुट में भी कोई वोल्टेज नहीं मिलता है। जब से आप गेट का वोल्टेज बढ़ाएंगे 5 वोल्ट आउटपुट में आपको लगभग वही 2 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। इसमें अप्रोक्स 2-3 वोल्ट कम आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप 10 वोल्ट देंगे, ओके आपने 10 वोल्ट दिया है तो आउटपुट आपको लगभग 7-6 वोल्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे मान लीजिए आपको 13 वोल्ट चाहिए, आउट 13 वोल्ट चाहिए तो 13 में 3 वोल्ट ऐड कर दीजिए, 16 वोल्ट आप देंगे तो आपको लगभग 13 वोल्ट मिल जाएगा। इस तरह से अगर आपको पूरा का पूरा वोल्टेज चाहिए तो आपको 19 में 3 वोल्ट एक्स्ट्रा देना है, मतलब 22 या 23 से प्लस कुछ भी वोल्टेज आप गेट पे देंगे तो आपको पूरा वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। इसमें देखिए जैसे जैसे इसमें क्या था, गेट का वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे, ठीक है, गेट का वोल्टेज बढ़ रहा था, साथ ही साथ आउटपुट जितना का जितना था। गेट का वोल्टेज जब एक लेवल तक चला गया लगभग इसी के पास तक, और थोड़ा सा जैसे टच करता है 19 वोल्ट को, मतलब 19 से 2-3 वोल्ट कम पे ही रहता है, इससे यहाँ तक जाते जाते ये पूरा का पूरा ज़ीरो में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये गेट का वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट है। जब आप गेट को 1, 2, 3, 4 तक लेके जाते हैं तब आउटपुट आपका 1 वोल्ट होता है। जब आप इसे 19 वोल्ट तक लेके चले जाते हैं तब आपका आउटपुट 19 ना जाके 17-16 पे ही अटका रहता है। जब आप गेट का वोल्टेज को बढ़ा के 22 से प्लस कर देते हैं तब ये वोल्टेज 19 तक जाता है। अब आप 22 से कितना भी आगे ले जाएं आउटपुट आपका स्टिल रहेगा जो इनपुट है। ओके तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है एक एन चैनल पी चैनल को समझने के लिए। बाद बाकी इसका इन प्रैक्टिकल वगैरह वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पे है इसे ले जाना है आपको डायोड रेंज पे। मल्टीमीटर का रेड टच करके प्रॉप को चेक कर लेंगे कनेक्टेड है या नहीं। अभी हम चेक करेंगे ये जो मॉस्फेट हैं ये मॉस्फेट एन चैनल है या फिर पी चैनल मॉस्फेट है। ओके तो सबसे पहले ड्रेन सोर्स गेट देखते हैं इसका कहाँ पे है, तो बजर मोड पे ले लेते हैं मल्टीमीटर को। यहाँ पे 4 पिन बीप दे रहा है, तो ये आपका ड्रेन है और ये सोर्स है। देखिए 4th नंबर पिन बीप नहीं दे रहा है, ये ड्रेन ये सोर्स। ड्रेन पे हमारा रेड प्रॉब है और सोर्स पे ब्लैक। मल्टीमीटर वैल्यू दे रहा है, वैल्यू 500 के आसपास देगा, तो इससे पता चल रहा है ये पी चैनल मॉस्फेट है। ड्रेन पे पॉजिटिव जब होता है और सोर्स पे नेगेटिव और मल्टीमीटर शो करता है डायोड रेंज की वैल्यू तो ये पी चैनल हो जाता है। तो अभी हम रखेंगे ब्लैक को ड्रेन पे और सोर्स पे
रेड को, अभी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो अभी हमारा क्या है, ओके है पी चैनल मॉस्फेट, ये यहाँ पे एक और मॉस्फेट है इसे चेक करते हैं, ड्रेन भी और ये सोर्स, 4 पिन ड्रेन 3 पिन सोर्स। यहाँ पे चेक करते हैं, ड्रेन पे नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं, ड्रेन पे पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पी चैनल है, यहाँ पे मॉस्फेट है इसे भी चेक करते हैं, सोर्स ये ड्रेन, ओके ड्रेन पे पॉजिटिव, सोर्स पे नेगेटिव, ड्रेन पे पॉजिटिव सोर्स पे नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं, ड्रेन पे नेगेटिव और सोर्स पे पॉजिटिव, ड्रेन पे नेगेटिव, जब ड्रेन पे नेगेटिव होता है और सोर्स पे पॉजिटिव होता है और मल्टीमीटर एक डायोड रेंज की वैल्यू शो करेगा 200 से 700 के बीच में, तो एन चैनल मॉस्फेट हो जाएगा। ड्रेन पे आपका नेगेटिव है तो एन चैनल, ड्रेन पे पॉजिटिव है तो पी चैनल। यहाँ पे एक और मॉस्फेट है, यहाँ पे एक लाइन है, इसी से पता चल जाता है आपका ये सोर्स इधर है और ड्रेन इधर है, ड्रेन पे पॉजिटिव सोर्स पे नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये एक डाउट की वैल्यू नहीं है। प्रॉप चेंज करेंगे, मोबाइल और ये ठीक है, अरे यार क्या ईयरफोन लीजिए। तो यहाँ पे ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ड्रेन पे अभी नेगेटिव है, सोर्स पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। प्रॉप चेंज करेंगे, ड्रेन पे पॉजिटिव सोर्स पे नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसे हम, इस वैल्यू को हम ओके नहीं मानेंगे, जो वैल्यू लो है उसे हम ओके मानेंगे। ये तो नेगेटिव है ड्रेन पे, ये एन चैनल मॉस्फेट, ये भी एन चैनल मॉस्फेट, ये भी एन चैनल, ये पी चैनल, ये पी चैनल। अभी इस मॉस्फेट को चेक करते हैं, सोर्स पे है नेगेटिव, ये डॉट से पता चल रहा है सोर्स यहाँ पे है, और ड्रेन पे पॉजिटिव, तो देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। प्रॉप चेंज करते हैं, बोथ साइड वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बोर्ड पे लगा हुआ है एक्चुअल में, इसीलिए ये वैल्यू दे रहा है रिवर्स में, नहीं तो नहीं देता। तो ये भी आपका पी चैनल मॉस्फेट, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक मॉस्फेट है, तो इसे भी चेक करते हैं, एन चैनल या पी चैनल। यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा आपको, एक डॉट दिख रहा होगा, इससे पता चल रहा है ये इसका सोर्स है और ये ड्रेन है, तो ड्रेन पे नेगेटिव सोर्स पे पॉजिटिव कोई वैल्यू नहीं, ड्रेन पे पॉजिटिव सोर्स पे नेगेटिव, ओ सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉस्फेट है, तो सबसे पहले इसका ड्रेन और सोर्स चेक करते हैं, 4 पिन ड्रेन और 3 पिन सोर्स। तो ड्रेन पे रखेंगे रेड प्रॉप, सोर्स पे ब्लैक कोई वैल्यू नहीं, प्रॉप चेंज होगा, सोर्स पे रेड, ड्रेन पे ब्लैक कोई वैल्यू नहीं, बोथ साइड नो वैल्यू, मतलब हम बोल सकते हैं ये मॉस्फेट फॉल्टी हो सकता है, ये मॉस्फेट फॉल्टी हो, ओके, बट ये डुअल मॉस्फेट भी हो सकता है 6504। नहीं डुअल मॉस्फेट नहीं है, सिंगल मॉस्फेट है। इधर एक और मॉस्फेट है, इसे भी चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं डेस्कटॉप बोर्ड के मॉस्फेट को। ये देख सकते हैं ये कुछ मॉस्फेट हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब मॉस्फेट हैं,
ये इसका ड्रेन होता है और ये सोर्स, ये गेट। ओके, ये ड्रेन राइट हैंड साइड, सोर्स लेफ्ट हैंड साइड, गेट। ड्रेन पे, ड्रेन पे आपका पॉजिटिव है और सोर्स पे नेगेटिव। देखिए कोई वैल्यू नहीं, ये कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं इसीलिए वैल्यू दे रहा है। प्रॉप चेंज करेंगे, ओके है, अभी ठीक वैल्यू आ रहा है। तो ये भी एन चैनल मॉस्फेट है, इसे चेक करते हैं। ड्रेन पे नेगेटिव, डेस्कटॉप बोर्ड में जो मॉस्फेट है इसे चेक करने के लिए एन चैनल है या पी चैनल, मल्टीमीटर को आपको देना है बजर डायोड रेंज पे। इसके बाद ये ड्रेन होता है और राइट हैंड साइड सोर्स, लेफ्ट हैंड साइड गेट। ये ड्रेन, सोर्स, गेट। ड्रेन पे अभी नेगेटिव है, सोर्स पे पॉजिटिव और वैल्यू स्टिल है। प्रॉप चेंज करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड वैल्यू आता है। एक्चुअल में बोर्ड पे लगा हुआ है इसीलिए ऐसा होता है, और ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा था इसीलिए वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। तो ये एन चैनल मॉस्फेट है, ये भी एन चैनल मॉस्फेट, ये भी एन चैनल और ये भी एन चैनल। चेक करते हैं, देखिए वैल्यू नहीं है, स्टिल नहीं है, और यहाँ पे देखिए वैल्यू स्टिल है, रुक जाएगा। तो ये भी एन चैनल मॉस्फेट, ये भी एन चैनल मॉस्फेट। अभी चेक कैसे करेंगे, एक तो होता है आपका गेट को चार्ज करके चेक कर लेना, बट वो जब आप बोर्ड से निकालते हैं तब 100% हो पाता है। हम ट्राई करते हैं हो जाए। होता क्या है, आपको ब्लैक को सोर्स या फिर ड्रेन पे रखना है और रेड को गेट पे। इस कंडीशन में क्या होता है, मॉस्फेट चार्ज हो जाते हैं और बीप देना स्टार्ट कर देता है। बट ये अभी चार्ज होगा या नहीं होगा पता नहीं, बोर्ड से निकाल के करना पड़ेगा। और सॉरी डायोड रेंज पे है, बीप रेंज पे लेना पड़ेगा हमें। देखिए कंटिन्यू भी पाया था, मतलब ये चार्ज हुआ था फिर डिस्चार्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं ये मॉस्फेट ओके है, 100% ओके है। अब नॉर्मल जो हम चेक करते हैं मॉस्फेट को, बस आपको देखना है गेट और सोर्स के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। मतलब कहने का, एक डायोड जो चेक करते हैं वो आपस में बीप नहीं देता है, डायोड का एनोड कैथोड बीप नहीं देता। तो यहाँ पे मॉस्फेट का ड्रेन सोर्स बीप नहीं देना चाहिए, सोर्स गेट के साथ बीप नहीं देना चाहिए, सोर्स ड्रेन के साथ बीप नहीं देना चाहिए, गेट, मतलब तीनों पिन आपस में अलग होनी चाहिए। ड्रेन, सोर्स, गेट आपस में कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, बीप नहीं देनी चाहिए। जैसे अभी देखिए, अभी बीप दिया था है ना, बट ये ऑफ हो जाएगा बीप जब आप इससे फिंगर टच करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। होता क्या है, जब आप गेट को टच करते हैं तो ये एनेबल हो जाता है और बीप देना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह आप मॉस्फेट को चेक करेंगे, ड्रेन, सोर्स, गेट आपस में बीप नहीं देना चाहिए।